असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इम्पोर्ट हुई और शुगर इम्पोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। एक बात तो ये है कि आपका ये बड़ापन है और आपकी बतौर स्पीकर आपकी मैं समझता हूँ कि एक आइनी जिम्मेदारी भी है और आपकी जनरोसिटी भी है कि आप लीडर दी ऑपोजिशन को मौका देते जो कि इस ट्रेडिशन इस हाउस की उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेरे असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड, इस मोजिज ऐवान की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इम्पोर्ट हुई और शुगर इम्पोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा।